या भूत भूतनी या पितर या पितृ दोष वगैरह जो भी होता है दोस्तों, वो सब गंगा माता में ही स्नान करने के जाते हैं दोस्तों। नदियाँ तो इतने सारे देवता लोग सबको आदेश उधर क्यों लगता है कि हरिहरद्वार चलो हरिहरद्वार में नहाना है। और दोस्तों यही उत्तराखंड वालों का ये सभी का होता है। और दूसरी साइड में कहीं भी जाकर जिसका पितृ दोष वगैरह कुछ भी होता है तो वो बोल देता है हमें हरिद्वार ले आके छोड़ दो। तो ऐसा क्यों क्यों दोस्तों क्यों बोलते हैं हमारे सारे देवता हरिद्वार क्यों रहते हैं, क्या आप लोग इस बारे में जानना चाहते हो? तो दोस्तों गाड़ी निकालने के लिए तो आपको 2 या 3 दिन लग जाते हैं। और दोस्तों अगर आप भागवत या पुराण वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते हो तो दोस्तों आपको 4-5 दिन या मतलब दोस्तों मैं यह जानकारी मात्र आधे घंटे में राइट कर रहा हूं। और जितना भी हो सके उसमें शॉर्ट बहुत सारी चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ती है। सेम देवता की धुनी में औरतें क्यों नहीं लगती है? और सटीक जवाब देने वाले से मैं खुद संपर्क करूँ। भूत भाड़ों में जाकर लगती है, जो 10 पुड़ियों से नहीं नाचता है उस पर मात्र गंगा जल की 4 बूंदें डाल दो दोस्तों वो नाच जाता है। गंगा माता वो गंगा माता है जो उत्तराखंड घुमलो क्या टिहरे क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घुमलो क्या टिहरे क्या मुनिशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे हिमचु पहाड़ी चैनल में। हाथ जोड़ के सबसे मेरा निवेदन है दोस्तों, हमेशा की तरह मैं अपना वीडियो का आगे स्टार्ट करने से पहले प्रश्न करना चाहूँगा दोस्तों जो हमारा ये चैनल है ये पहाड़ों की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और जो पहाड़ों में हमारे जो जगह जगह स्थानीय देवता वगैरह का जो वास है तो उनको उजागर करना है, प्रचार करना है। और जो हमारे देश विदेश में जो हमारे साथी लोग जो बाहर रहते हैं उनको जैसा भी पता नहीं है हमारी नई युक्तु जनरेशन को, तो उन तक ये हमारी कहानी पहुंचाने का और यही हमारा उद्देश्य है पहाड़ों की संस्कृति का। पहले जो मेरा उद्देश्य आज का बताता हूं दोस्तों, जो आज की हम कथा बता रहे हैं वो गंगा माता की कथा बता रहा हूं कि दोस्तों आप लोगों को हमारे जो उत्तराखंड के जितने भी देवी देवता हैं या भूत भूतनी या पितर या पितृदोष वगैरह जो भी होता है दोस्तों, वो सब गंगा माता में ही स्नान करने के जाते हैं दोस्तों। नदियाँ तो इतनी सारी हैं उत्तराखंड में, आप देखो हर जगह पर रामगंगा हो गई, काली नदी हो गई, मतलब इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं तो सब लोग स्नान करने के लिए गंगा में ही क्यों जाते हैं सारे देवता लोग? सबको आदेश उधर ही क्यों लगता है कि हरिहरद्वार चलो हरिहरद्वार में नहाना है? और दोस्तों यही उत्तराखंड वालों का ही नहीं सभी का होता है। और दोस्तों क्यों आके सभी, चलो हम तो चलो पहाड़ी हुए लेकिन सब इधर नीचे प्लेन साइड में यूपी साइड में कहीं भी जाकर जिसका पितृदोष वगैरह कुछ भी होता तो वो बोल देता हमें हरिद्वार ले आके छोड़ दो। तो ऐसा क्यों क्यों दोस्तों क्यों बोलते हैं ऐसा कि हमें हरिद्वार ले आके छोड़ दो? क्या आप लोगों को पता है, क्या आप लोगों को पता है कि हमारे सारे देवता हरिद्वार क्यों रहते हैं? क्या आप लोग इस बारे में जानना चाहते हो? तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो में आगे बढ़ने से दोस्तों पहले बात तो पूरी सुन लेना, आप पूरा वीडियो को सुन लेना। सुनने के बाद दोस्तों अगर फिर आपको कोई शंका या कोई डाउटफुल लगे तो मुझे करना फ़ोन, मैं या मेरा फेसबुक में या फेसबुक में जाके मुझसे बात कर लेना। और जैसे आप फेसबुक में जाओगे हिमचू पहाड़ी करके सर्च मारोगे तो मेरा चैनल आपके बीच में वहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों हमेशा की तरह मैं आप लोगों को इतना और कहना चाहूँगा दोस्तों, जहाँ आप यहाँ से घर जाते हो पहाड़ जाते हो, पहाड़ जाने के बाद आप 3 घंटे वहाँ देते हो यात्रा में, तो एक दिन आने में एक दिन जाने में लग जाता है आपको। दूसरा दोस्तों अगर आप कहीं जाते हो तो वहाँ की जानकारी निकालने के लिए तो आपको 2 या 3 दिन लग जाते हैं। और दोस्तों अगर आप भागवत या पुराण वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते हो तो दोस्तों आपको 4-5 दिन या मतलब भागवत पढ़ने में दोस्तों आपको 1-7 हफ्ते का दिन होता है, 7-8-9 दिन का आपको टाइम रहता है। और दोस्तों गीता पढ़ने के लिए भी आपको इतना टाइम चाहिए होता है। अगर आपको दोस्तों मैं यह जानकारी मात्र आधे घंटे में राइट कर रहा हूँ और जितना भी हो सके उसमें शॉर्ट बहुत सारी चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ती है, सिर्फ आपको आधे घंटे में पूरा ज्ञान मिल रहा है दोस्तों। और दोस्तों हो सके कभी कुछ गलत हो रहा है मुझसे तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है तो आप लोग मेरा साथ दोगे उसमें। और जहाँ पर कोई गलती या कुछ मुझसे अगर कुछ होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं तो मैं दोस्तों उसमें ज़रूर ये हमेशा की तरह आपको प्रोवाइड। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मेरे जो सब्सक्राइबर का हल्का फुल्का डॉट है दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, संक्षिप्त में रखूँगा। और दोस्तों अगर संक्षिप्त में जानना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक में आके मेरे को बात कर सकते हैं, मैं वहाँ पर इनको सारा संक्षिप्त में बता दूंगा और वहाँ पर मैं अपना नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को फेसबुक में रखता हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर है हरियाणा से, उन्होंने बोला सर मैं आपका प्रत्येक वीडियो देखता हूँ और आपका हर वीडियो को पसंद करता हूं। और दोस्तों मैंने कहा थोड़ा सर आपसे एक बार वर्ड बोलने में थोड़ा सी गलती हो गई है आपसे पत्नी की जगह पर, उसका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप मेरे चैनल में आए और जुड़े और इतनी ध्यान से आपने कहानी सुनी, मैं इसके लिए आपका हमेशा आभारी रहूँगा। और दोस्तों जब इतनी बड़ी कहानी सुनानी होती है कभी वर्ड इधर उधर हो जाते हैं तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने सुना तो मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगा वर्ड में, तो आपको लगा होगा तो ज़रूर कुछ गलती रही होगी। तो सब्सक्राइबर है मेरे एनकेजी ने कहा है सर हमें तो आपकी कथा सुनने की आदत सी पड़ गई, मैं आपका आभारी व्यक्त करता हूँ एनकेजी, अलगनाथ जी की कहानी मांगी है मुझसे। तो आप इनके जी टेंशन मत लो, मैं ज़रूर इसमें कहानी आपको प्रोवाइड करूँगा, जब नाथों की कहानी में आऊँगा तो मैं इसमें भी आपके उसमें प्रकाश डालूंगा। और दोस्तों अगले सब्सक्राइबर है मेरे रेखा जी ने कहा है सर आपने बताया था और थोड़ा बहुत मतलब हो गया है और इसमें आपने नर्सिंग उनके बारे में नहीं बताया था सिद्धि, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया है रेखा जी। और आपका एक मैसेज और आया है मेरे दूसरे वाले वीडियो में, उसमें बोला कि आप पे कोई डंगरिया कुछ अगर ऐसा कोई ताकदास है, तो रेखा जी ऐसा कुछ नहीं है, सब देवताओं का आशीर्वाद है और हमारी नज़र में सभी देवता एक समान है, कभी
मेरे दिल में कभी ये भाव नहीं है कि ये देवता छोटा है, ये देवता बड़ा है। हर देवते को हम सादर प्रणाम करते हैं और हर देवता उत्तराखंड का जो कोई भी है, चाहे वो भूत है या चाहे कोई पिशाच है या कोई भी है, हमारी नज़र में सब एक समान है, एक तुल्य में है और मैं उनका सबका भक्त हूँ और उन सबका आशीर्वाद है मेरे ऊपर, तभी मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक दो सब्सक्राइबर के मेरे और आए हैं। देखो दोस्तों, मैंने कहा है जब तक आप मुझे अपना नाम सही से लिख के नहीं भेजोगे और कहाँ से हो, तो मैं उसमें आपका कोई वो नहीं कर सकता, क्योंकि चैनल में कौन इतने सारे कमेंट आते हैं, मैं संभव नहीं है इतने लोगों का, क्योंकि दोस्तों मैं अगर इतना डेली कर देने लगाऊंगा तो मेरे 15-20 मिनट आप लोगों को पता ही है पूरे इसमें निकल जाते हैं। एक सब्सक्राइबर हमारे जो बंगारी जी हैं, नए नए जुड़े हैं हमारे चैनल में, बंगारी जी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल में, आपका दिल से स्वागत करते हैं हम। और इनके 3-4 सवाल हैं, काफ़ी शंकाएँ हैं, तो मैं वो शंकाएँ भी दूर करते हुए चलूँगा। इनने बोला हर समय आप कतिरियों को छोटा दिखाते हो। बंगारी जी ऐसा नहीं है, बस यह है कि राह रीति में थोड़ा फर्क होता है। जिस देवता की जब जागर लगती है तो उसी देवता को बड़ा दिखाया जाता है। और दोस्तों हमारे वहाँ उत्तराखंड में क्या है, शिव पुराण देख लो तो शिव पुराण में केवल शिव जी को बड़ा बताया गया है, और अगर आप विष्णु पुराण देखोगे तो विष्णु पुराण में केवल विष्णु जी को बड़ा बताया गया है। वैसे ही क्या नाम कहते हैं, पुराण देख लोगे तो माता पुराण में माता को बड़ा बताया गया है, और आप गंगा माता की कहानी सुनोगे तो गंगा माता को सबसे बड़ा बताया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने अपनी जगह पर है। और दूसरी बात है दोस्तों, मैंने पहले भी बोला है अपने सभी वीडियो में, जब मैंने कतिरू की कहानी बताई है तो कतिरू को उसमें सबको बड़ा बताया है। और बंगाली जी एक चीज़ और है, दूसरा जो हमारे उत्तराखंड को जो बचाने वाले हैं कतिरू हैं, और कतिरू का ही पहले राजपाट था सब उत्तराखंड में, और जब कतिरू का राजपाट था तो जो किनसे भी अगर होती थी नोकझोंक परिवार में, जो बड़ा मुखिया होता है, अगर हम भी अपने पिताजी से अपने को लख हक मांगते हैं तो हम अपने पिताजी से लड़ते हैं, तो वैसे ही कतिरू हुए हमारे। और ये जगह जगह के घाट घाट के मालिक हुए, 9 लाख हुए, और जिनने भी फिर इनसे मांगा तो अपना अधिकार मांगा, चाहे कैसे भी दिया। और हर जगह पर हर 100 कदम में हमारी उत्तराखंड की राह रीति बदल जाती है। जैसे आप रानीबाग में देखोगे तो यहाँ माता जिया को मेन माना जाता है, और अगर आप ये रंचूला घाट और इधर साइड में अगर जाओगे तो यहाँ प्योला माता और संती बसंती देव उनकी इधर बड़ी धूमधाम से पूजा करी जाती है। तो आप ऐसा मत करना कि वो है। हाँ, दूसरी बात आपने बोला सिमट दान दिया है, देखो उधर साइड में जो बताएं इधर साइड में जो बताएं, और हर कोई अपनी अपनी कहता बताता है। इधर भी जगड़ियों के मुँह से मैंने सुनने की बात डाली है, कोई व्याख्या नहीं, आपको प्रमाण भी दिया है उसमें मैंने कि किन जगड़ियों ने करा है। दोस्तों यही शायद मैं गा के बताता तो आप लोगों को बड़ा हो रहता, इसलिए आप दिल पर मत लेना मेरा। आप लोगों से ये कथा मेरी देश विदेश में जाती है सब लोगों से, और आप लोगों से ही मेरे को उम्मीद है कि आप लोग ही हमारी पहाड़ों की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए दोगे। तो दोस्तों अगर आपको लगता है मेरी कहानी गलत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, तो मैं आपको सटीक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और उसमें ऐसा नहीं कि मेरे सब इष्ट हैं, देवता लोग को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद है जो मैं चलता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, कोई देवता बड़ा कोई देवता छोटा नहीं होता है, ठीक है। आप मेरी बात से संतुष्ट हो गए और मैं आशा करता हूँ मेरे चैनल के साथ जुड़ेगा। आपको कोई शंका है तो अपना शंका और सवाल लिख के भेजें, वो जरूर उत्तर दूंगा। और किसी को बुरा बोलना बड़ा आसान रहता है, लेकिन अगर हम जब उस चीज़ में करते हैं कोई भी चीज़, अगर जब क्रिकेटर जब खेलता है 1 लाख लोगों के बीच में, तो उसी को दिल को आत्मा को पता होता है कि वो किस तरीके से खेल रहा है वहाँ पर। दोस्तों हम तो पीछे हम कहते हैं सहवाग ने छक्का नहीं मारा, युवराज ने ये नहीं करा वो नहीं करा, जब वो उतने लोगों को फेस करता है तो उसको पता होता है। तो वैसे ही योगेश जी आप जो ये कथा दे रहे हैं, तो मुझे आप पहाड़ वालों का बहुत सपोर्ट चाहिए, मैं आपके बगैर कुछ नहीं हूँ। अगर आप लोग ही मेरा सपोर्ट नहीं करोगे तो शायद मैं भी कहानी बनाना बंद करूँगा। अभी आप मेरे को कतिरू की बहुत ऐसी कहानियाँ देनी है, जैसे बागनाथ में शिव जी की एक आँख नहीं है शिवलिंग पे, तो वो कहानी भी मैं डालूंगा। कतिरू लोग कुत्तू से वैर क्यों करते हैं, काला कंबल से वैर क्यों करते हैं, क्या इनके साथ हुआ, 9 लाख कतिरू को कहाँ मारा गया, कैसे मारा गया, क्या छल इनके साथ हुआ, तो मैं आप लोगों के बीच में सब कहानी डालूंगा। अगर आप लोग अगर ऐसा करने लग जाओगे तो शायद मैं ये कहानियाँ आपको नहीं दे पाऊंगा, प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, आप फिर जागरूक में ही सुनते रहना। तो योगेश जी इसलिए आप मेरे चैनल का सपोर्ट करते हो, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े और अपने जो प्रश्न हैं प्रश्न मुझसे लिख के भेजें, तो मैं हमेशा आपका सपोर्ट करूँ। एक सब्सक्राइबर और है अल्मोड़ा से हैं राहुल जी, उनका भी जवाब आया है कि सर ये माता हाट कालिंगा और ये ऐसा है तो कि इनकी कतिरू के साथ भी लड़ाई हुई, इस टाइप से उनने मुझसे सवाल पूछा है। पहले इनके भी सवाल आते थे लेकिन अब काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं इसलिए आपसे काफ़ी खुश हूँ प्रसन्न हूँ, और हमेशा हमेशा हमारे चैनल के साथ ऐसे जुड़े रहना। आप लोगों जी वो हुई थी, मैं आप लोगों को उसमें वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आप उसमें जवाब आया कि सर हमें ये बता दीजिए कि जब किस पर नए देवता आते हैं, कौन से देवता नाच रहे हैं, हम कैसे पता करें। तो मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि मैंने अपने जो पहले वीडियो में जो 31 तारीख को है उसमें सारा दिया हुआ है विवरण कि कब किस पर नए अवतार देवता आते हैं, तो क्या करना चाहिए और कैसे वो करना चाहिए, उनका निवारण करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको पूरा उसे बता रहा, आप अगर फिर भी नहीं आता समझ में तो मेरे आप उस वीडियो में जाके देखना, और नहीं आता समझ में तो मैं बताऊंगा आपको, मैंने हर किसी में बताया हुआ है। हाँ दोस्तों, मैंने एक सवाल और पूछा था, जैसे अभी सभी सब्सक्राइबरों से, और मैं आज तक तो मैं सभी की शंकाओं का निवारण करता हूँ। मैंने एक बार पूछा था अपने वीडियो में पूछा था कि हर सैम जी की धोनी में औरतें क्यों नहीं लगती हैं, तो अभी तक मेरे को 1-2 जवाब आए लेकिन विपरीत आए, लेकिन कोई सटीक जवाब मेरे को किसी ने नहीं दिया है। तो मैं आशा करूंगा अगर जिसको ऐसे पता है तो बताना, और दोस्तों अगर नहीं पता है तो फिर हमसे पूछो ना दोस्तों, हम हैं ना बताने के लिए, हम बताएंगे। दोस्तों हम सबकी प्रयास करूंगा कि सबके प्रश्नों का उत्तर देने का, और दोस्तों जो सटीक उत्तर देगा दोस्तों मैं
उससे संपर्क करूंगा और स्वयं खुद बात करूंगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मुझे लोग मेरे इस वीडियो में बताएंगे कि सैम देवता की धुनी में औरतें क्यों नहीं लगती हैं, और सटीक जवाब देने वाले से मैं खुद संपर्क करूँ। बुद्धि विनायक विघ्न अविनाशी रिद्धि सिद्धि गजाननाय शिव गिरिजा के लाल गणपति करिए सब अपराध समा। गुरु के कमल चरणों पर सर रख कर कमलापति का ध्यान करे पिया सुरसरी देवी गंगा का आह्वान करे, देवी गंगा का आह्वान करे। बोलो गंगा माता की जय। तो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को आदेश कर देता हूँ, सभी हे गंगा माता तुम्हारी कथा सुना रहा हूँ तुमको, सक सक मेरा आदेश है, सभी देवी देवताओं को मैं आदेश मार देता हूँ कि सभी आए और अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे, और कथा स्टार्ट कर रहा हूँ। हे माता, हे गुरु, हे देवी देवताओं, ये कथा आप लोगों की सुना रहा हूँ मैं। तो हे सरस्वती माता, आपको सक नमंग है, आप मेरी जगह में विराजमान हो। हे मेरे घर के इष्ट, सभी आप लोगों का आशीर्वाद है मेरे सर पर। तो मैं हे कथा सुनाता हूँ सभी को आदेश करके। देवादिदेव महादेव को हमारा साक्षात आदेश, आदि गुरु दत्तात्रेय जी को हमारा आदेश, गुरु मच्छेंद्रनाथ जी को हमारा आदेश हो, नावनाथ सिद्धू को हमारा आदेश हो, गुरु गोरखनाथ जी को हमारा आदेश हो, गुरु काशाम्बरी को हमारा आदेश हो, गुरु जलंद्रीनाथ को हमारा आदेश हो, गुरु कणिपानाथ जी को हमारा आदेश हो, सभी गुरु देवी देवता स्थानीय देवी देवता भूत भूतनी आहुभूत वगैरह सबको हमारा आदेश हो। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे और सब पर जो जो मेरी कथा सुनेगा उन सब पर गंगा माता की कृपा हमेशा बने रहेगी। दोस्तों मैं आप लोगों को उन गंगा माता की कथा सुना रहा हूँ जिन गंगा माता हमारे घरों में पहाड़ों में जागर लगती है, जो 10 पुड़ियों से नहीं नाचता है उस पर मात्र गंगा जल की 4 बूंदें डाल दो दोस्तों वो नाच जाता है। गंगा माता वो गंगा माता है जो दोष में रोष में किसी तरह से मरे होते हैं, और अगर उन पर गंगा माता की 4 बूंदें डाल दो या उन पर चित्र कर दो, कुछ भी छो कुछ भी कर दो माता, तो माता सबको तारने वाली होती है और उन सबकी बंदी खोल देती है माता, बदे से बदे। तो दोस्तों गंगा माता एक बहुत पावनी गंगा माता है और वो युगों युगों से बहती हुई आ रही है हमारे उत्तराखंड में, और उसने हमारा ही नहीं हमारे कई हजार पूर्वजों का सबको तारते हुए गंगा माता ने अपने पावन लहरों में समेटा हुआ है। तो मैं उन गंगा माता की कहानी सुना रहा हूँ दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ आप लोग जो कोई भी सुन रहा है हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, जहाँ जहाँ देश विदेश में जहाँ तक मेरी कथा जा रही है, आप गंगा माता की पावनता, दोस्तों गंगा माँ और हमारी माँ में कोई परिवर्तन नहीं है। आप जिस तरीके से अपनी माँ का अपमान करते हो, आप उसी तरह से गंगा माँ का भी अपमान करते हो, तब भी आपको गंगा माँ शीतल जल ही देती है। गंगा माँ इतनी पावन है, गंगा माँ हर हमेशा आप प्रत्येक की माँ है, और देश विदेश में नहीं सभी जगह गंगा माँ को एक पवित्र नदी, और हमारे देश में उत्तराखंड में और भारतवर्ष में तो गंगा माता को पूजा जाता है और माँ के बराबर दर्जा दिया जाता है, तभी वो गंगा माँ है। तो दोस्तों मैं उन गंगा माता की कथा सुनाने जा रहा हूँ, और दोस्तों मुझे पता है सब अपनी माँ से इतना प्यार करते होंगे और उतना ही प्यार गंगा माँ से भी करते होंगे। तो मैं आशा करता हूँ सब गंगा माता की कहानी दिल लगा के सुनेंगे, और दोस्तों अगर आप कहीं भी जाके सुनते हो गंगा माता की कहानी तो आपको 4 दिन या 5 दिन लग जाते हैं, लेकिन मैं आपको मात्र आधे घंटे में या 10-15 मिनट में पूरी कहानी सुना दूंगा। और दोस्तों आप प्रमाण के साथ कहीं पर भी बोल सकते हो, तो आपको कोई ज्ञान के मामले पीछे नहीं धकेलेगा। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं है और ऐसे नहीं है, तो दोस्तों मैं उन लोगों एक ही चीज बोलना चाहूंगा, कोई ज्ञानी नहीं होता, सिर्फ इतना होता है कि ज्ञान को भी ज्ञान को शुद्धिकरण की जरूरत पड़ती है। जैसे मेरे पास ज्ञान है तो मुझे ये नहीं मैं परम ज्ञानी हूं, मेरे को भी शुद्धिकरण की जरूरत पड़ती है तो मैं भी ज्ञान लेता हूं। तो ठीक उसी प्रकार आप लोगों के पास ज्ञान है, अपार ज्ञान है, भगवान हर किसी को ज्ञान देते हैं, उसे शुद्ध करो, और शुद्ध करने के बाद दोस्तों उसे तब जाके ज्ञान पर लगाओ। दोस्तों आप लोगों को पता ही हमारे पहाड़ों में जब शुरू शुरू में जब डंगरिया नाचता है तो उसे उस टाइम पर ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ज्ञान लेके आते रहते हैं नाचते रहते हैं, उसके बाद क्या होता है दोस्तों वही देवताओं से सवाल पूछते हैं कि ऐसा ये हुआ था, ऐसा ये हुआ था, ऐसा ये हुआ था, तो वही फिर बाद में देवता लोग बताते हैं, उसका निवारण करते हैं। इसलिए सवाल पूछने में संकोच मत करो, और आपके मन के जो लेकिन हर चीज़ की एक सभ्यता, और हम पहाड़ी लोगों के दोस्तों बड़ी आदत होती है कि चाहे हमारे पास कुछ हो ना हो लेकिन सभ्यता हम लोगों के अंदर इतनी होती है ठूस ठूस के, कहीं भी हम जाते हैं तो हमारा पहाड़ियों का संस्कार और सभ्यता हर जगह दिखती है। तो मैं वही चाहूँगा कि किसी को भी कोई सवाल या कुछ भी मुझसे पूछना है अपने सभ्यता के साथ और अपने कल्चर के साथ, जो हमारे पहाड़ी कल्चर है, दादा भूली और चिली बेटी, ये हमारा जो पहाड़ों का कल्चर है, इस कल्चर के साथ आप मुझसे सवाल पूछोगे जो उत्तर देने में भी मुझे काफ़ी खुशी होगी। तो वही गंगा माता की मैं आप लोगों को कथा सुना रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ सभी लोग
हमारे जो देवता वगैरह, जो फिर आपको कोई ये बताने की जरूरत नहीं कि हमारे देवता क्यों गंगा में स्नान करने जाते हैं, क्यों हमारे पितर गंगा के किनारे पर रहते हैं और क्यों घर छोड़ के कोसा कुशा घाट में रहते हैं हमारे पितर, मैं आपको सब चीज़ का निवारण करूँगा। लेकिन हाँ, इसी है जब मैं अपने चैनल से यार दोस्तों इतनी कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ, ज्ञान मुझसे ले रहे हो तो यार दोस्तों यार सब्सक्राइब भी प्लीज़ करना है यार दोस्तों। ये नहीं कि यार हम ज्ञान ले और सब्सक्राइब किसी और से दोस्तों, क्योंकि जो सब्सक्राइब कर देता है चैनल को वो पता लग जाता है स्टूडियो में, क्योंकि स्टूडियो दिखा देता है कि कौन तुम्हारा नया सब्सक्राइबर जुड़ा है। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि ज्ञान लोगे तो दोस्तों मेरे चैनल को करना है, लाइक करना है दोस्तों, इतना तो दिल से यार, इतना तो फ्री में बनता है यार दोस्तों लाइक करना। तो दोस्तों ठीक है, मैं कहानी में स्टार्ट करता हूँ अपने। क्योंकि मैं हुई राजा बाहुक, राजा बाहुक की दो पत्नी हुई, एक हुई नंदिनी एक हुई सुशीला। तो ये दोनों राजा बाहुक से काफ़ी प्यार करते थे, तो इनकी मतलब कोई संतान नहीं हुआ करती। तो काफ़ी दोस्तों हमारी जो अधिकतर कहानियाँ बनी है, जो भी इतिहास बने हैं, वो यही बने हैं कि उनके घर में संतान नहीं होती थी, तो इस वजह से वो आप फिर बाद में भगवानों की पूजा करी तो वरदानी पुत्र ऐसे होते हैं। राजा बाहुक के घर में कोई संतान नहीं थी, तो फिर दोस्तों जो सूर्य कुल के जो स्थापक हुए सूर्यदेव हुए, तो इनने काफ़ी तपस्या करी सूर्यदेव की, इनकी तपस्या हुई तो इनको पुत्र का वरदान दिया। पत्नी थी नंदिनी, उसको पुत्र होती का वरदान दिया, क्योंकि काफ़ी पूजा पाठ करती थी सूर्यदेव की। तो दोस्तों जो इनकी जो दूसरी वाली बहन थी, छोटी बहन थी सुशीला, शीला वो काफ़ी इनसे चिढ़ती थी, तो चिढ़ती थी, तो इनने क्या करा उनको बीज खोल के दे दिया कि यार, उन्होंने कहा यार इनके अगर वो हो जाएंगे पुत्र हो जाएंगे तो मैं तो बांझ रह जाऊंगी, मुझे लोग ताने मारेंगे ये मारेंगे। तो वो क्या करती है उनको बीज खोल के दे देती है। और दोस्तों उसी बीच में क्या होता है, राजा बाहुक के वहाँ आक्रमण कर देते हैं दोस्तों, जो उनके मंत्री वगैरह होते हैं वही उनके साथ, जो उनका जो कुल है उसको अयोध्या बोलते थे, और जो उनके वंशक थे इक्ष्वाक वंश के लोग कहलाते थे, तो उनके वंशक में आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण कर देते हैं तो ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं। दुत्यमान था जिसने आक्रमण कर दिया था और हाहाकार कर दिया था, उसने सभी को कर दिया था राजा को युद्ध छोड़ने के लिए विवश कर दिया था, क्योंकि छल से इनने उनके साथ करा था अचानक, तो वो भी भागे, तो इनकी जो राजपाट था सारा उन्होंने अपना हत्या लिया था। जो इनकी रानी थी नंदिनी हो गई और शीला हो गई, ये वहाँ से छोड़ के कहाँ भागे, ये मुनि जी के आश्रम में भागे, नाम था अर्व ऋषि, अर्व ऋषि के आश्रम में गए दोनों जने। तो दोनों रानी ने उनको प्रणाम करा, मुनिवर प्रणाम। तो दोस्तों उनकी एक खासियत थी, जो उनकी धोनी थी, धोनी धोनी में जो कोई भी आहुति डालता था सच्चा आदमी तो धोनी वो करती थी, और जो नहीं डालता था तो उसकी आहुति स्वीकार नहीं करती थी धोनी। तो दोस्तों इनने दोनों रानी को बुलाया, उन्होंने कहा माते आप, उन्होंने कहा मुनि जी हमारा तो काफ़ी घर उड़ गया, बर्बाद हो गया, हम तो सब बर्बाद हो गए, अब क्या करें। तो मुनिवर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप यहाँ आओ, इस हवन कुंड में आहुति डालो। तो जैसी नंदिनी जाती है आहुति डालती है, तो उसकी आहुति स्वीकार हो जाती है, सुशीला बेटी आप आओ आहुति डालो। जैसे सुशीला आहुति डालती है वो क्या होता है हवन कुंड बंद हो जाता है। तो अरविंद ऋषि जी कहते हैं आप पापी हो और आपने पाप करा। तो वो कहते हैं नहीं, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कोई पाप नहीं करा, इस टाइप से वो करती है। तो वो आहुति माता को बुलाते हैं, माता आप आओ खुद ही बताओ। तो आहुति माता इनको दिखाती है कि इनने किस तरीके से सगर को मारने का वो करा गया और इसने बिस्क खोल के रानी को पिलाया गया, तो मना करने लग जाती। तो आहुति कुंड से अग्नि निकलती है, उसे जलाने के लिए चले जाती, तो ये कहती मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो इतने में फिर मुनि जी ने माफ़ कर देते हैं, कहते दीदी भी इनकी माफ़ कर देती, कहती यार मेरा कोई ऐसा बहन नहीं है, तो वो भी माफ़ कर देती। ऋषि जी कहते हैं आप जाओ स्नान करके, मैं आहुति दिलाऊंगा। तो नहाने में ये इन्हें सोचा अब मेरा क्या होता, मैं मेरी सच्चाई सबके सामने आ गई, मैं प्राण दे देती हूँ। तो भगवान विष्णु उनसे कहती है कि भगवान विष्णु मेरे को एक मौका तो दो, मैं जिससे अपने पाप धो सकूँ। तो भगवान विष्णु जी ने दर्शन देते हैं, कहते हैं जब महाराज भगीरथ होंगे तो आपको उनकी पत्नी बनने का सौभाग्य मिलेगा, तो आप ये सारे पाप से मुक्त हो जाओगे। तो फिर ये कह के इतना कह के वो मर जाती है उसमें। तो दोस्तों फिर क्या होता है, जो जिनने इनके राज्य में आक्रमण करा होता है तो वो कहता है इनके सबको, इनका पूरा सूर्यवंश कुल का पूरा नाश करो। तो इनके जो अरव ऋषि के आश्रम में वो आते हैं, अरव ऋषि के जो आश्रम में आते हैं तो अरव ऋषि जी उनसे कहते हैं वो तो राजा भी मर गए हैं, उनकी दो पत्नी भी मर गए हैं, तो उनसे झूठ बोल देते हैं। तो जब जैसे वो अंदर जाते हैं, अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है उनकी उत्पत्ति होती है, उसी टाइम पर राजा सगर जी पैदा हो जाते हैं। जय हो महाराज सगर जी की, हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं महाराज सगर। वगैरह इनके तेज को देख कर डर के भाग जाते हैं वहाँ से। दुत्यमान राजा जी के पास जाते हैं, कहते हैं महाराज जी वो उनके वहाँ तो कोई है ही नहीं ऐसा, तो आप क्या करा जाए। तो दुत्यमान महाराज सारा खुशी मनाते हैं फिर सब लोग अपने। महाराज अरव ऋषि इनको ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, महाराज सगर को धीरे 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 बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद दोस्तों ये किसके पास देते हैं, इनके कुलगुरु होते हैं, कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास भेजते हैं। तो कुलगुरु जो इनके वशिष्ठ जी होते हैं वो इनको काफ़ी शिक्षा लालन पालन सब करते हैं, वो गुरु वशिष्ठ जी देते हैं। तो इनको काफ़ी अस्त्रों का भंडार देते हैं, दिव्यास्त्र देते हैं, सबको सांप सांप को इनको सक्षम बना देते हैं। जब ये अरव ऋषि के आश्रम में आते हैं तो अरव ऋषि अपनी माता को पकड़ते हैं, नंदिनी माता से कहते हैं चलो माता अयोध्या में, मैं अयोध्या में युद्ध करने जा रहा हूँ। तो ये अयोध्या में युद्ध करके जो दुत्यमान हरा देते हैं, हराने के बाद ये अपना राजपाट फिर से अयोध्या में स्थापित कर देते हैं।
जब इनका राजपाट दोबारा से स्थापित हो जाता है तो इनको अपना राज्य को बढ़ाने का होता है। जब उस टाइम पर ऐसे होता था कि राजा बन जाता था तो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए युद्ध करता रहता था निरंतर। तो ऐसे करते 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 युद्ध करते करते ये कहाँ चले जाते हैं, ये धवलपुरी में आक्रमण बोल देते हैं। जब धवलपुरी में जब आक्रमण बोल देते हैं तो वहाँ की जो रानी थी वो केशकी थी। तो रानी केशकी जो थी वो पुरुषों जैसे स्वभाव हाव भाव से रहती थी, उसे कोई मतलब उनको कोई देख के ये नहीं बोल सकता था कि ये पुरुष है या आओ है करके। तो इनके साथ युद्ध होता बड़ा भयंकर। ये राजा जी के हर प्रश्न का हर सवाल का उत्तर बड़ी वीरता से देती है माता। तो देते देते ऐसा होता है, तो एक टाइम पर ऐसा आता है कि इनके महाराज सगर का बाण जाता तो इनके सर से ऊपर को छोंके निकल जाता है, तो इनका मुकुट गिर जाता है। जैसे मुकुट गिरता है तो इनके केस जो बाल होते हैं केस होते हैं पूरे आगे आ जाते हैं। जब आगे आते हैं तो पूरे सुंदर नारी के जब केस होते हैं वो सुंदरता का प्रतीक होते हैं। तो जैसे ही नारी के बाल उसके केस के बाल वगैरह आगे वगैरह आते हैं तो काफ़ी सुंदर और प्रभावशाली दिखने लग जाती है माता। तो महाराज सगर के जो अस्त्र शस्त्र थे महाराज शस्त्र छोड़ देते हैं, कहते हैं मुझसे महापाप हो गया, हमने नारी पर अस्त्र चलाया। तो कहती है तुम मेरे पर अस्त्र नहीं चलाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो वो अस्त्र मारती है, अस्त्र मारने के बाद वो महाराज सगर के सीने पर लगता है बाण सीधा। तो महाराज सगर से कहती है तुम मेरे से युद्ध करो। महाराज सगर कहते हैं नहीं, मैं नारी पर अस्त्र नहीं उठाता हूँ, चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाए। कहते क्यों नहीं उठाते हो तुम नारी को अस्त्र, क्यों नहीं उठा रहे हो नारी पर अस्त्र, मुझे बताओ ने। तो ये कहते हैं एक नारी से ही हम जन्मे हैं, एक नारी ही से मैंने दुनिया में मैंने संस्कार सीखे हैं, और एक नारी से ही मैंने जीवन में अच्छी दोस्त होती है, एक नारी अच्छा मित्र होती है, एक नारी अच्छी बहन होती है। तो नारी जो दुनिया में होती है वो रास्ता दिखाने का एक मार्ग होती है, उससे कभी युद्ध और द्वेष भावना नारी के साथ नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों जब इतनी बातें वह सुनती है माता केशनी तो वो उनकी बातें सुन के खुश हो जाती है। खुश होने के बाद वो अपने कदम पीछे हटा लेती है और उन्होंने कहा नारियों के लिए इतनी इज्जत इनके दिल में, तो वह अपना दोस्तों और वाक्य में जब कोई नारी हमारी नारी है तो नारी बहुत सम्मान की पात्र है, हमारे ग्रंथों में बोला गया है। तो दोस्तों फिर नारी को या अपने घर चले जाते हैं। तो नारी जब घर में जाती है तो महारानी इनसे पूछती है बेटा पुत्री आज क्या हुआ कि तुम जीत के तो आई हो लेकिन तुम्हारे मुख में वो प्रशंसा नहीं है जो तेज नहीं है वो है। तो जो इनकी सहेलियाँ कहती महारानी जी ये मतलब जीत के तो आई है, पता नहीं आज अपने आप को हार के आ गई है महारानी जी। तो हंसते हुए अपने महल में चले जाती है केशकी माता। तो वहाँ महाराज सगर भी जाते हैं, महाराज सगर जी भी इनकी ध्यान में सोचने में रहते हैं, इनके ध्यान में ही रहते हैं। महाराज सगर इनको शादी का प्रस्ताव भेजते हैं महारानी जी का। जब शादी का प्रस्ताव भेजते हैं तो वो भी खुशी खुशी इनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। जब इनका प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो बरात वगैरह हो जाती है, तो महारानी केशकी और ये विवाहित जीवन अपना व्यापन कर रहे थे। तो महाराज सगर और महारानी केशकी एक दिन क्या करते हैं जंगल में अखेट खेलने जाते हैं। उस टाइम पर राजाओं का शौक हुआ करता था अखेट। तो ये एक मुनि को क्या करते हैं, मुनि उस टाइम पर ऐसे हुआ करता था जंगलों में, साधु संत अपना जंगलों में घूमने के लिए कभी मुनि का भेष कभी किसका भेष रख के अपना घूमा करते थे। तो ये जंगल में विचरण कर रहे थे साधु, तो इनने क्या करा उन साधु को मार दिया। मुनि जो होते हैं वो श्राप देते हैं इनको कि तुम जिस तरीके से तुमने मुझे तीर मारा है मैं तुम्हें दोनों को श्राप देता हूँ, तुम दोनों दो औलाद के सुख से वंचित रहोगे, तुम्हें औलाद का सुख कभी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये दोनों जो आते हैं घर में कहते हैं ऐसे तो बोलते रहते हैं कितने। तो ये अपने तो देखते देखते महारानी केशनी जी को होता है एक पुत्र की प्राप्ति होती है, और जो पुत्र की प्राप्ति होती है दोस्तों संत वही थे जिनको इनने मारा था, वही संत बुलाया था, वही संत थे। तो ये उनके घर में पैदा होते हैं, तो ये बावले रूप में पैदा हो जाते हैं, ये बावले रूप में पैदा हो जाते हैं। तो ये इनकी हरकतें रहती है बिल्कुल चंचलता वाली, और ये बिल्कुल हर हमेशा जो बात करते थे ये शास्त्रों वाली बात करते थे। देखते देखते समय बीतता गया। तो जब आदमी के हमारे पहले ज़माने में ऐसे होते थे चार पड़ाव होते थे, तो चार पड़ाव में जब ये अपने चौथे पड़ाव में आए थे हैं तो वानत्य आश्रम में जाने के लिए कहते हैं अपनी प्रजा से कि मेरे को वानत्य आश्रम में जाना है, अपना अपना सब छोड़ छाड़ के जंगल में जाएंगे। तो जो प्रजा होती है प्रजा मना कर देती कर दिए हम असमंजस जी को अपना राजा नहीं मानेंगे, असमंजस जी हमारे महाराज नहीं होंगे क्योंकि वो अपना बावले हैं और इस टाइप से हरकतें करते हैं, तो हम उनको अपना महाराजा नहीं मानेंगे। महाराज काफ़ी शोक में पड़ जाते हैं। जब महाराज शोक में पड़ जाते हैं तो महाराज क्या कहते हैं अपनी प्रजा से फिर क्या करा जाए, तो महारानी केशकी से बोलते हैं। तो महाराज असमंजस ने कहा कि अगर कोई मुझसे महारानी शादी खुद करेगी तो मैं विवाह कर लूँगा। तो उस टाइम पर सबने विवाह करने से मना कर दिया। तो ये क्या नाम कहते हैं फिर महाराज सगर ने क्या करा कि यार अब क्या करा जाए अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये शादी करते हैं। महाराज सगर खुद की शादी करते हैं, इसको मंत्री वगैरह कहते हैं तुम खुद शादी करो विवाह करो। तो ये महाराज सगर शादी करने के लिए प्रस्ताव भेजते हैं, फिर अपना सुमतिपुर में संदेश भेजते हैं अपना महाराज कि मेरे को विवाह करना है आपकी पुत्री से। तो सुमतिपुर में जब महाराज नानक इनकी बात सुनते हैं तो वो कहते हैं अब सम्राट हुए उस टाइम पर पूरे धरती के, तो उनके से विवाह के लिए अपनी पुत्री का मान लेते हैं। तो सुमति के साथ ये विवाह करने के लिए राजी हो जाते हैं। जब सुमति और इनका जब विवाह होता है काफ़ी धूमधाम से होता है। तो देखते देखते जब समय बीत जाता है तो जो असमंजस जी होते हैं, असमंजस जी कहाँ जाते हैं गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी अब मैं अपना ये जीवन त्यागना चाहता हूँ, अब मुझे ये जीवन से मुक्ति चाहिए।
तो जैसे गुरु जी कहते हैं, उनसे गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, तुम दुनिया को तो ये बावलेपन से तुम वो बना सकते हो बेवकूफ, लेकिन मैं इस बावलेपन से तुम्हारा बेवकूफ नहीं बनने वाला हूँ। ये दोनों जने बातें करते हैं, गुरु वशिष्ठ जी और तो इनकी विराट नगर की राजकुमार थी प्रतिमा, तो उनने इनकी पूरी बात सुन ली कि यार ये बड़े तपस्वी आदमी है, इस टाइप से बोलते हैं। तो वो कहते हैं अब मेरा क्या आदेश है, गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं मेरा क्या आदेश है। उन्होंने कहा अभी तुम्हारा जो कर्तव्य है धरती में आएगा वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं तुम सारी दुनिया को मना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। किस तरीके से, तुमने बचपन में ये क्या होता है, एक दोस्त होता है एक इनका, तो ये फुटबॉल खेल रहे होते हैं, तो फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो उसे मार देते हैं, जितेंद्र हो गया और बॉल से मारा, फुटबॉल से मारने के बाद उसे मार दिया। तो मारने के बाद ये बाद में महाराज के पास जाते हैं, कहते हैं इसको सजा दो सजा दो, तो ये उसको जिंदा कर देते हैं। तो बचपन से ही ऐसी पराक्रमी लीलाएं अपने दिखाते रहते हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा जब तुम इतनी लीलाएं दिखाते हो, सब कुछ करते हो, तो क्या मैं गुरु हूँ तुम्हारा कुल का, तो मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा है। तो कहते हैं अब मेरे लिए क्या आदेश है गुरु बताओ। तो कहते हैं अभी तुम्हारा जो धरती पर पैदा होने का जो तुमने अवतार रखा है वो अभी उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ है, जब उसका उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा तो आप फिर अपना प्राण त्याग सकते हो। तो जब इतना सुन के ये दोबारा वापस जा रहे होते हैं तो दोस्तों जो राजकुमारी प्रतिमा थी वो भी इनके पीछे चले जाती है, तो पीछे पीछे जाती है, तो इनको रास्ते में वो परेशान करने लग जाती है, छेड़ने लग जाती है, मुनिवार रुको बात सुनो बात सुनो। तो राजकुमार वो कहते हैं तुम मेरे पीछे क्यों पढ़ रखे हो, तुम मेरे पीछे मत पढ़ो, ये सो करके उनसे जब इनसे इतनी बातें कहती है प्रतिमा, तो ये कहती है मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, आप मुझसे विवाह करो, लेकिन ये विवाह करने से मना कर देते, कहते मैं विवाह वगैरह नहीं करूँगा, मैं तुम्हें ये बावलेपन का जो तुमने भेष धारण कराया ना जोगी महाराज, मैं आपको अच्छे से पहचानती हूँ कि आप बावले नहीं हो। तो उसको गुस्सा आया था, कहता यार मेरा ये भेष मेरे पोल खोल लिए कौन है, तो वो पत्थर पकड़ के उसको मारने के लिए राजी हो जाते हैं। तो राजी हो जाते हैं तो कहते तुम जाओ जाओ, जैसे वो आगे जाते हैं तो अपने सैनिकों से कहते हैं मुझे आक्रमण करो। तो जैसे वो भाले वगैरह इसको फेंक के मारते हैं, ये देखते हैं तो जितने भाले वगैरह थे वहीं रुक जाते हैं सब, तो वो इनके साथ उसी टाइम पर फिर इनको प्रणाम करती है और अपने घर को आ जाती है। तो कुछ दिनों बाद ये उसके घर में शादी का प्रस्ताव भेजती है, महारानी प्रतिमा भेजती है। जब इनके घर में प्रस्ताव भेजती है तो महाराज सगर खुश हो जाते हैं, तो कि यार हमारे पुत्र से कोई शादी करने के लिए राजी हुआ है। तो उसके बाद इनका हाँ धूमधाम से शादी वगैरह उनकी करते हैं। तो महाराज असमंजस जी की शादी हो जाती है, जब असमंजस जी की शादी हो जाती है तो देखते देखते समय बीतता रहता है। तो अब क्या हो गया, अब इनका कुल कितनों का हो गया, चार जनों का हो गया, महारानी केशी हो गई, सुमति हो गई, महाराज सगर हो गए। सगर के बाद तो खुशी वगैरह खैसे रहते हैं, तो समय बीतता रहता है, तो समय बीतता रहता है ऐसी। तो एक दिन क्या होता है, अब इनके पुत्र होना, अब इनके घर में पुत्र होता है। तो दोस्तों असमंजस जी जो थे वो बड़े तपस्वी थे, तो वो इनको शास्त्रकार में जो इनकी बीवी थी वो इनको हरा देती थी कि एक नारी ही सर्वश्रेष्ठ है, इस टाइप से इनका चलता रहता था। तो फिर ये उसको अपना लेते हैं, जब अपना लेते हैं तो कहते हैं नारी के बिगैर तो कोई है नहीं दुनिया में, और ये सो करके उनको बड़े तपस्वी थे, तो उनको रोज डेली शास्त्रकार होता था। तो कहते हैं स्वामी अगर तुम्हारे लिए मेरी कोई वैल्यू नहीं है तो पकड़ो तरवाल अपनी और मेरे गर्दन छठ से अलग कर दो। तो वो खुश होते हैं, खुश होने के बाद वो क्या करते हैं इन्हें अपना लेते हैं। फिर इनसे क्या होता है, एक पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र इनका पुत्र होने वाला है। इति थी सुमति जी के जो पिताजी थे और जो इनकी दासी थी, तो वो कहते हैं यार कि अगर राजा इनके घर में अगर इसके पुत्र हो गया तो जो हमारे पुत्र को तो राजपाटी नहीं मिलेगा, हम क्या करें फिर। तो उनने क्या करा, इसको विष खिलाने की तैयारी कर दी, वो विष खा लिया आराम से खुशी खुशी। अब विष खा दे तो उनके पेट में, बाद में जैसे समय निकट हो गया था तो उनके पेट में दर्द होने लग जाती है, खूब दर्द होती है। दर्द होते होते क्या होता है, जब उनके पेट में खूब दर्द हो जाती है तो ये जैसी इनके पेट में दर्द होती है तो इनके घर में क्या होने वाले होते हैं, उस टाइम पर घर में कपिल मुनि आने वाले होते हैं। तो कपिल मुनि जैसे इनके घर में आते हैं तो उसी टाइम पर इनके बच्चे, इनका बच्चा भी हो जाता है, कपिल मुनि का आना और इनके बच्चे का होना। तो जो इनका बच्चा था वो मृतक होता है, तो ये कहते हैं जब मेरे घर में तो आ ही तो हो ही नहीं सकता है, जब स्वयं कमल रूपी कपिल जी मेरे घर पर आए हैं तो कैसे हो सकता है। तो ये उनकी गोदी में रखते हैं, कपिल मुनि जी उनको प्राण वापस कर देते हैं, इनके प्राण सौंप देते हैं दोबारा लाके। तो जो अंशुमान जी होते हैं, अंशुमान जी का जन्म इस तरीके से, अंशुमान जी का जन्म हो जाता है। तो दोस्तों अब जो होते हैं सुमति के जो कहता है जो खड्डा खोदता खुद ही उसमें पड़ जाता है। तो जैसी सुमति जी की पुत्र औलाद होने वाली होती है तो उनसे क्या होता है, एक मांस का टुकड़ा जैसा पैदा होता है, ढोला जैसा तो निकलता है, तो उसमें कोई औलाद नहीं होती है। तो वो अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाते हैं, गुरु वशिष्ठ जी महारानी जी ने एक खली पिंड को जन्म दिया है, क्या करें। तो दोस्तों अब जैसे इस युग में हुआ सत्ययुग में, तो दोबारा ये जब आप देखो महाभारत में देखोगे तो जब दुर्योधन पैदा हुआ था तो वही मांस का टुकड़ा उधर पैदा हुआ था वैसे, और सेम प्रोसेस ये भी है, सेम प्रोसेस वहाँ भी है। तो दोस्तों महाराज गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं इनके सारे मांस के टुकड़ों को अलग अलग पिंडों में कर देते हैं और 60,000 घड़े बनाते हैं। 60,000 घड़े बनाने के वो 60,000 पुत्रों को उसमें डाल देते हैं घड़ों में। तो दोस्तों 60,000 उसमें से, अब दोस्तों मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो ये 60,000 जो पुत्र थे ये कौन थे, मैं इस पर भी आपको प्रकाश डाल देता हूँ। ब्रह्मा जी थे, पुत्र थे, वो कौन थे, दक्ष प्रजापति और नारद थे।
दो भाई थे नारद और दक्ष प्रजापति। तो नारद जी जब वर्मा जी ने कहा तुम इनसे सृष्टि में को आगे बढ़ाने का कार्य करो, तो नारद जी ने तो मना कर दिया। नारद जी ने कहा मैं प्रभु भक्ति में रहूंगा, मैं मना कर दिया सृष्टि को आगे बढ़ाने से। तो दक्ष प्रजापति वर्मा जी को कार्य को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम स्टार्ट करा। तो दक्ष प्रजापति के 60,000 पुत्र हुए, 60,000 पुत्र हुए तो उनको गुरु की जरूरत पड़ी। तो इनने गुरु किसके पास भेज दिया, नारद के पास भेज दिया। जब नारद जी के पास गुरु भेजा, गुरु बनाने भेजा इनको, तो नारद जी ने किन की शिक्षा दे दी, इनको योग की शिक्षा दे दी। तो इनने क्या कह दिया, तो जब इनसे पिताजी ने कहा बेटा जाओ तुम इस दुनिया को आगे बढ़ाओ और इसमें भारतवर्ष की स्थापना करो, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने सबने 60,000 लोगों ने इनसे मना कर दिया। इन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, हम तो जोग लेंगे, परम पिता ब्रह्मा जी विष्णु ही सब कुछ है, विष्णु ही सब कुछ होते हैं। तो इन्हें गृहस्थ आश्रम जीने से मना कर दिया। जब दक्ष प्रजापति को गुस्सा आया था, दक्ष प्रजापति को बड़ा गुस्सा आता, तो पहले कमंडल से जल उठाते, जल उठाने के बाद नारद को श्राप देते, कहते मैं तुझे श्राप देता हूँ, तो आज के बाद एक 5 मिनट से ज़्यादा एक जगह पर नहीं टिक पाएगा। तो दोस्तों जब से नारद जी 5 मिनट से ज़्यादा तुम नारद जी को नहीं रोक सकते, उनका मन विचलित होता, कभी 5 मिनट यहाँ रोकेंगे तो फिर 5 मिनट बाद कहीं और, 5 मिनट बाद कहीं और, 5 मिनट बाद वही। तो नारद जी को बड़ा श्राप देते और फिर वो अपने 60,000 पुत्रों को श्राप देते कि जाओ तुमने क्या नाम कहते, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम सब प्रेत में भटकते रहोगे, तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। तो दोस्तों फिर वहाँ से इनका भटकना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर ये सब 60,000 लोग भटकते रहते, तो विष्णु जी के पास जाते, कहते हमें मुक्ति दिलाओ प्रभु, हमने तुम्हारी तपस्या करी है। तो विष्णु जी कहते हैं मैं तुम्हारे लिए मुक्ति का उपाय ढूंढूंगा। तो जब विष्णु जी इनसे ऐसा बोलते हैं तो ये खुशी खुशी जाते हैं। फिर तो बाद में वही 60,000 पुत्र क्या थे, ये थे जब 60,000 वशिष्ठ जी 60,000 जब इनके पुत्र होते हैं, तो इनके अंदर फिर वही पराक्रमी राजपूत वाली आ जाती हरकतें। ये क्या नाम कहते, युजवेंद्र हो गया, चहल हो गया, इनके पुत्रों का नाम ये था। तो ये सुमति जी के जब पुत्र होते हैं बड़े प्रभाव और बड़े। अब दोस्तों यहाँ से क्या हो रहा, अब यहाँ से प्लेटफॉर्म बन रहा है गंगा का धरती पर आने का, क्योंकि अब 60,000 पुत्र पैदा हो गए, तो यहाँ से गंगा माता का क्या हो रहा है, यहाँ से प्लेटफॉर्म बन रहा है। जय हो गंगा माता की, तुम्हारी जय हो, माता गंगा की जय हो, हर हर गंगे, हर हर गंगे। पर्वत से सब निकली है जग में नदियाँ बड़ी बड़ी, किसने प्रभु का पांव पकड़ा, कौन शंभु के शीस चढ़ी। हाँ से गंगा का जब प्लेटफार्म स्टार्ट हो जाता, तो मतलब किसने इतनी वो करी है, मतलब कौन हरि के चरणों से निकली है, कौन शंभू के सर में चढ़ी है, और किस नदी को शंभू इतना प्रभु ने सबने प्यार करा है। तो दोस्तों इसलिए गंगा माता की इसलिए पावन है। तो दोस्तों जब प्लेटफार्म यहाँ से तैयार हो रहा है गंगा माता का आने का धरती पर, गंगा यम की फांसी काटने वाली भी है। तो दोस्तों माता गंगा यम की फांसी भी काट सकती है, इतनी मतलब शक्ति है माता गंगा के जल में, धाराओं में। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, ये जब युजवेंद्र सब लोग पैदा हो जाते हैं, तो महाराज सगर को भी बड़ा अपने आप पर घमंड हो जाता है। महाराज सगर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और सभी गांव वालों ने खुशी को धूमधाम से, सभी पुत्र महाराज सगर के धीरे धीरे बड़े हुए, बचपन बीते युवा हो गए, खून अश्रु को मारा, नाम हो गया वीरों में उनका, खुश हो गया नगर सारा। तो लाखों अश्रु को मारा और इधर पूरा धरती पर तहस तहस सब जगह के लिए, सब राजपाट सूर्यवंश का नाम, पूरी ध्वजा प्रता का पूरे शहर में पूरी फैल गई, पूरे उसमें राज्य में फैल गई। बड़े वगैरह होते रहे। तो उसके बाद क्या होता है, ये सब बड़े हो जाते हैं। फिर अश्वमेध यज्ञ कराने का विचार आ जाता है कि यार मैं अश्वमेध यज्ञ कराता हूँ और पूरी धरती पर अपना सम्राटत्व स्थापित कर देता हूँ। तो दोस्तों घमंड अहंकार कभी किसी का नहीं रुका, तो हर किसी का एक दिन घमंड को जाना पड़ता है। उनको बुलाया, गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और 100 अश्वमेध यज्ञ कराने का प्रण लिया कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ कराऊंगा। तो एक श्यामवर्त नाम का घोड़ा था, तो उसको क्या है पूरे धरती के लिए विचरण के लिए छोड़ दिया गया। कि ये पहले पार्ट में सुना, और दोस्तों अब दूसरा पार्ट पाने के लिए कल का इंतजार करें। मैं आपको दूसरे पार्ट में कल कथा की, गंगा माता की पूरी कथा की, अपकरण की कथा सुना दूंगा। दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट हो गया, कल दूसरा सेकंड पार्ट सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें दोस्तों। और दोस्तों जो मैंने इसमें बताया है, गंगा माँ हमारे चाहे कोई कितना भी पूरी में किसी को दबाया हो, किसी को कुछ भी करा हो, या खड्डा डाला होता है, कहीं भी कुछ करा होता है, तो गंगा माँ के जल के स्पर्श मात्र से दोस्तों वो सारे जंजाल से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी गंगा माँ इतने अमृत के समान हमारे भारतवर्ष में बहती है, तो हम सबका दायित्व तो बनता है अपनी माता की रक्षा करने का, और गंगा माँ को स्वच्छ और सुशील रखने का हम सबका दायित्व तो बनता है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी से के लिए मेरे तैयार रहे दोस्तों। कल इवनिंग में इसी टाइम पर मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा सेकेंड पार्ट गंगा माँ के अवतरण की कथा का। और दोस्तों आप लोगों को पता लग गया होगा कि गंगा माँ वास्तव में हम सबकी बंदी खोलने वाली माता है।